लेकिन अगर ये अपनी हैसियत और अपने काम को छोड़ दे जिस काम के लिए ये बनाया गया, तो ये ट्यूबलाइट नहीं कहलाएगी, ये कवाड़ा हो जाएगा। इसकी जगह फिर हमारे सरों के ऊपर नहीं होगी, किसी कचरे के ढेर में होगी। ये दुनिया के आम मिसाल है जो सारी चीजों पर फिट होती है। एक जानवर किसान खरीद के लाता है, गाय है, भैंस है, दूसरे जानवर है, उसका मकसद होता है कि ये दूध दे, इससे हम फायदा उठाएं। लेकिन वो जब भैंस बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है तो फिर उसकी जगह बदल जाती है, वो हमारे दरवाजों पे उसकी जगह नहीं रहती, वो हाथ में नहीं होती, वो किसी कसाई के हाथ बेच दी जाती है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ताला का बेहद करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है, उसका शुक्र है, और इस पर हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया। बहुत सारी कौमें थी, उन कौमों में पैदा नहीं किया बल्कि इस्लामी घराने में पैदा किया और मुसलमान नाम दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से मुसलमान नाम हुआ, सलमा को मुल मुस्लिमीन। पहले नाम मिलता है, फिर काम करना पड़ता है, फिर मकाम बनता है। किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए पुलिस में, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो उसका नाम उस वक्त से हो गया कि ये पुलिस है, ये पुलिस का आदमी है, ये गवर्नमेंट का आदमी है। अब नाम मिलने के बाद उसको काम करना पड़ेगा, यही दस्तूर है दुनिया का। नाम मिलने के बाद उसको काम करना पड़ेगा, पुलिस वाला अगर वो सही से काम करता रहता है, जो काम पुलिस के करने का है ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ, तो फिर उसकी पोजीशन भी बढ़ती रहेगी, उसका प्रमोशन भी होता रहेगा और उसकी तरक्की भी होती रहेगी, उसकी इज्जत भी बढ़ेगी। और नाम मिल गया, काम छोड़ दिया तो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, उसकी नौकरी भी खत्म हो जाएगी, फिर वो आम आदमी की तरह से आके आम फेरिस्त में शामिल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दुनिया की तमाम कौमों का इमाम बनाया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, बड़ी बारीकी है इसके अंदर, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें निकाला गया है। उखरजत, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें बन गए, तुम्हें बना दिया गया, तुम आ गए, तुम पैदा कर दिए गए। कुरान कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था, अल्लाह कह सकते थे, लेकिन कितनी हिकमत है इस लफ्ज के अंदर, उखरिजत, तुम्हें छांटा गया, तुम्हें अलग किया गया, तुम्हें निकाला गया तमाम लोगों से। क्योंकि हम लोग किसान हैं और भिंडी की जब फसल होती है और जब उसको लेके मार्केट में जाने लगते हैं तो लोग उसको तोड़ के लाते हैं, फिर उसकी छटाई करते हैं, काना को अलग किया और टेढ़े मेढ़े को अलग किया, खराब को अलग किया और अच्छा अच्छा फ्रेश माल जिसकी अच्छी कीमत लग सकती है, अच्छा दाम लग सकता है, उसको एक तरफ करके मार्केट में भेजा जाता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बनाया। लेकिन आज हमारे हालत ये इस्लामी मुआशरा के उन्वान पर आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। मुआशरा क्या है? मुआशरा हम और आप हैं, हम हैं, आप हैं तो मुआशरा है, और हम और आप नहीं है तो मुआशरा नहीं है। हमसे आपसे मिलके मुआशरा बना, एक समाज बना, एक सोसाइटी बनी। आज हर जगह प्रोग्राम हो रहा है इस्लामी मुआशरा, इस्लामी मुआशरा, इस्लामी मुआशरा। ये कौम तो वो थी जो दूसरों के लिए बनाई गई थी, दूसरों की हिदायत के लिए, दूसरों को राह रास्त पे लाने के लिए, उसे सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन हाल ये है कि निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को तरस गए हैं किसी मर्द राहदां के लिए। हम अपना मुहासबा करें। मैं सिर्फ एक वाकया बताकर
कि जब मुसलमान अपनी हैसियत पर जब तक बाकी था, अपने काम को काम समझता था, अपने दुनिया में आने के मकसद जिंदगी और मकसद हयात को समझता था और समझकर काम करता था, दुनिया की सारी मखलूकात इसके गुलाम और नौकर थे। कैरवान एक जगह है अफ्रीका के, मगरबी अफ्रीका के एक जगह है कैरवान। सन 50 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने हजरत उकबा बिन नाफिर रजी अल्लाह तआला ने जो सहाबी रसूल हैं उनकी हुक्मरानी उनके हवाले की। और जब वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्हें जरूरत महसूस हुई कि मुसलमानों का एक छावनी बनानी चाहिए, फौजी छावनी, मुसलमानों की फौजों की एक फौजी छावनी की जरूरत है, कहां बनाई जाए। मशवरा किया, किसी की राय आई कि मैदान में बनाई जाए, किसी का मशवरा आया कि बस्ती में बनाई जाए, किसी का मशवरा आया कि कहीं और बनाया जाए। लेकिन जो फौज का सिपे सालार था उनका ये मशवरा आया कि हम अफ्रीका के जंगल में जाके एक छावनी बनाएंगे, फौजी छावनी। जब ये बात लोगों में पहुंची तो लोगों ने कहा कि मुसलमानों का दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए हैं। अफ्रीका का जंगल जो दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है, जिस जंगल में तरह तरह के जहरीले जानवर, भेड़िया, शेर और चीते वो रहते और बसते हैं, उस जंगल में ये जाकर के छावनी बनाने की बात कर रहा है, ये लगता है पागल हो गए, इनके खात्मे का वक्त करीब आ गया। लेकिन चूंकि उनका ईमान मजबूत था, यकीन था उनके पास, अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन था, वो 20 सहाबा को साथ लेकर उस जंगल में पहुंचे और जंगल के किनारे खड़े होकर के उन्होंने आवाज लगाई कि ए जंगल के दरिंदों, ए जंगल के शेर और चीतों, ए जंगल के सांप और बिच्छुओं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बोल रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी आवाज को सुनकर इस जंगल को खाली नहीं किया तो जो भी मेरे सामने आएगा कत्ल कर दिया जाएगा। मुअर्रखीन ने लिखा, किताबों को उठा के देखिए, मुअर्रखीन ने लिखा है कि आवाज